नाजरीन चैनल अख्तर इन्फॉर्मेशन में आपको खुश आमदेद कहते हैं डामा सीरियल फास के आपके आज के एपिसोड के अंदर आप देखेंगे कि मंसूर साहब फातमा के कमरे में जाते हैं और उसे कहते हैं कि फ़ातिमा तुम्हारे दिल में मेरी क्या कदर है जिस पर फातमा कहती है कि ताया जान आप हुक्म तो करें आप कहना क्या कह चाहते हैं तो जिसके ऊपर मंसूर कहता है कि वक्त आने पर बता भी दूँगा लेकिन मेरी एक बात मानना होगी जिस पर फातिमा कहती है आपका हर हुक्म सर आँखों पर यह कह के मंसूर गुस्से से कमरे से बाहर निकल जाता है फातिमा सोच में पड़ जाती है कि असर आखिर ताए जान मुझसे क्या बात करना चाहते हैं इसी दौरान नसरीन कमरे में आती है और फातिमा को कहती है कि ये कागज़ हैं इस पर दस्खत कर दो फ़ातिमा पूछती है ये क्या चीज़ है तो नसरीन कहती है ये खुला के पेपर हैं आपके ताए है जान ये चाहते हैं कि अब पानी सर से गुजर चुका है तुम अब मुताहिर से खोला ले लो क्योंकि मुताहिर ने तो आपके तायजान की बहुत इंसल्ट की है और उनको उनकी हैसियत याद दिलाई है जिस पर फातिमा सोच में पड़ जाती है कि एक तरफ मेरा बेटा अजलान जो कि मुताहिर के पास है और दूसरी तरफ तायजान अब समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ खुला से पहले तक अदालती अगर कार्रवाई होती भी है तो अजलान मुताहिर के पास रहेगा जो कि फातिमा बर्दाश्त ना कर सकेगी अब मुताहिर इस कशमकश में है कि मैं मुताहिर मुताहर की बात मानूँ या ताया जान की खुला पदस्त करूँ या ना करूँ क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा परेशानी अजलान की है अनीका बहुत खुश है कि मंसूर ने के मंसूर की मुताहर ने बहुत इंसल्ट की है अब मंसूर साहब गुस्से से घर जाएंगे और अनीका और फातिमा को को खुला के लिए मजबूर करेंगे अगर फातमा खुला ले लेती है तो अनिका और मताहर के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट दूर हो जाएगी और फातमा इस घर के लिए हमेशा से निकल जाएगी अब मुताहिर सिर्फ मेरा होगा लेकिन उसको ये नहीं पता कि मुताहिर तो अनिका से भी जान छुड़ाने के चक्कर में है वो सिर्फ सवेरा को देखना चाहता है अब देखना यह है कि अनिका इस घर से कब जाती है सायमा मुताहिर को कहती है कि तुम अभी भाईजान को फ़ोन करो और उनसे माजरत करो और उनसे कहो कि मैं डिप्रेशन में था इसलिए मुझे पता ना चल सका और मैं गुस्से में पता नहीं क्या बोल गया जिस पर मुताहिर कहता है कि इस तरह का गुस्सा मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था ताकि उनको औकात याद पहले करा देनी चाहिए थी ताकि वो मुझे अपनी मुझे औकात याद ना दिलाएँ तो ये काम मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था जिस पर सामा मुताहिर कहती है तो मैंने ये अच्छा नहीं किया दूसरी तरफ सवेरा मुताहिर कहती है कि जी बतफ़ा है जो हेयर रिंग्स आपने मुझे दिए यही हेयर रिंग्स मैंने नसरिन के घर में अनी का के कानों में भी देखे जिस पर मुताहिर परेशान हो जाता है कि ये तो हर बात का इसको ऐसा ऐसा इलम होना शुरू हो गया है सवेरा मुताहिर को कहती है कि अब अम्मी कहती हैं कि बहुत जल्द अपनी दादी और अम्मी को लेकर हमारे घर आओ ताकि शादी की बात चलाई जा सके जिस पर मुताहिर कहता है कि अब बहुत जल्द मैं आपको इससे मुलाकात कराऊँगा सवेरा उसे कहती है कि अम्मी कहती हैं कि ये मुताहिर शादी की तरफ़ क्यों नहीं आ रहा हालांकि मैंने आपको हर तरह का इख्तियार दे दिया है अब देखना यह है कि क्या मुताहिद सवेरा से शादी कर सकेगा या इससे पहले सवेरा को मुतार की तमाम औकात का पता चल जाएगा देखते रहें चैनल अख्तर इन्फॉर्मेशन